अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ान में बहुत बिजी रहने की वजह से मैं बस वीडियोस जो हैं वो डेली नहीं डाल पा रही, और अब मैं ये आज की वीडियो थी, मैं यान को स्कूल छोड़ने जा रही थी, यान और सारा को। तो दी एजुकेटर स्कूल में पढ़ते हैं ये, और ये इनका स्कूल आ चुका है और इनके बैग्स बहुत भारी होते हैं। चलो यान उठो। इनको अभी स्कूल छोड़ा है तो अभी चलते हैं। रमजान में अब ये ड्यूटी मेरी है, क्योंकि इनके पापा जो हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती रमज़ान में, तो ड्यूटी करनी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने बर्डन कम करने के लिए मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ाया करूँगी। यहाँ पे लोगों ने गुलाब बहुत ज़्यादा लगाया है, बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल हैं उगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके, हमारी गली के पास ही बहुत ज़्यादा गुलाब हैं, रेड गुलाब, पिंक गुलाब। देखिए जी ये हैं गुलाब, अभी मैं इनके पास से गुजर रही हूँ, ये देखें कितने प्यारे प्यारे गुलाब होंगे, देखिए ये देखें बाहर से, यहाँ से अक्सर मुझे तोहफे मिलते रहते हैं गुलाब के, बहुत ही मज़े के, और खुशबू तो इतनी नहीं है इतनी, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैं वापस आ गई हूँ, और ये लॉक है, ये हमने रखा हुआ है गाड़ी के लिए, और ये हम लगाते हैं क्योंकि आजकल बहुत कुछ चोरियाँ वगैरह हो रही हैं, तो ये हम स्टेयरिंग पे लगाते हैं, अपनी एहतियात तो पूरी करनी चाहिए। और साथ हम जो है वो दूसरा लॉक तो होता ही है गाड़ी में, तो अब यहाँ पे ना इसको हम ऐसे करेंगे, मैंने अब इसको ओपन किया लॉक को, और ये किधर लगाएंगे, लॉक होता है इस तरह, तो ये मैंने लगा दिया, कोड वगैरह भी इसका मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और न्यूट्रल पे सही। तो हम भी है ना अभी नए नए, मेरी प्रैक्टिस गाड़ी पे हो चुकी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों को अब ले के आना और जाना सब कुछ वो मैं खुद कर लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी अब बेफिक्र हो गए हैं, क्योंकि पहले वो बहुत डरते थे मुझसे कि तुम जो हो ना गाड़ी लगा दोगी, बट मैं पास्ता गर्म कर रही हूँ, अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल के इसको दम दे दूँगी तो ये हो जाएगा, और फ्रूट चाट बना रही हूँ साथ, और दस पानी होगा, तो हम दो बंदे हैं तो दस मार लीजिए ही बहुत है। यहाँ पे मैंने पास्ता के ऊपर चीज़ स्प्रेड कर दिया, इसको दम दे दूँगी तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी, और 10 मिनट रह गए हम रोज़ा खुलने में, तो तब तक ये प्रिपेयर हो जानी है। यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ाई, और ये मैंने अभी सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं इसमें, अब मैं इसको दूँगी दम, फिर सब्ज़ मिर्चें डाल दिया इसमें, मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी, तो अब मैं इसमें इसको फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला, मक्खन के साथ बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है, दही भल्ले का वो मिक्सर बनने लगी हूँ, तो आपसे मैंने कहा शेयर करूँ। ये धनिया है, और इसको सूखा धनिया मैं बस साबुत डालती हूँ उसमें, बाद ये लाल मिर्च इसमें डाल दी मैं, अनारदाना है, अनारदाना मैं डालूँगी इसमें, बगैर हमें भल्लों का मज़ा नहीं आता, थोड़ी सी जौन डाली, इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला, एक चुटकी मैंने थोड़ा डाला है मीठा सोडा जिसको कहते हैं, इसमें मैंने पानी डाल दिया, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, भले मैंने इसमें डाले हैं, और ये जो है ना तेल ठंडा था इसलिए इस तरह हो गए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं गोल गोल से। ये फ्रूट चाट बना लिया था मैंने, और साथ के हमारा पास्ता भी रेडी हो गया था, बच्चे भाई खेल रहे हैं अभी, मैं बुलाऊँगी घर, मगरिब होने वाली है, तो बच्चे बाहर बिजी हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे, जिनके पापा आएंगे तो वही अंदर करेंगे। ये मैंने रसमलाई बनाई है, पिस्ता वाली फ्लेवर आई थिंक, अभी सैरी के टाइम मैंने बना दी है, क्योंकि सुबह अयान जो है अगर स्कूल से आता है तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो
कुछ ना कुछ पड़ाव फ्रिज में तो खा लेता है। कल मैंने बीन के पापा आ गए हैं मगरब से पहले अजान के टाइम जो होता है उस टाइम घर आ गए हैं, और ये थोड़ा फ्रूट वगैरह लाए हैं, घर में फ्रूट ख़त्म था तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत काट दिया था, फिर बाकी जो है वो लाए थे तो फिर हमने बाकी उसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद हम लोग गए थे PWD और अफ्तार शरीक करके, फिर वहाँ से मैं गुल अहमद गई थी, और गुल अहमद मैंने ईद के लिए कुछ अपना सूट लेना था तो वहाँ पे ना बहुत अच्छी सेल लगी थी, 70% ऑफ, 30% and 25% ऑफ, बहुत अच्छी ना। तो ये वहाँ पे कैजुअल पहनने के लिए एक लगा था पिंक कलर का है, तो जे कार्ड पे है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और ये इसका कुछ स्टाइल है, ओपन स्टाइल है ये, और नीचे से ये थोड़ा राउंड बना हुआ है, फ्रंट से भी इसका कट है और बैक से भी इसका कट है, और ये कुछ बैक से इसका स्टाइल बना हुआ है, ये देखें 3000 समथिंग इसकी प्राइस थी। इसका टैग मैंने उतारा, पता नहीं कहाँ फेंका है, लेकिन ये इसी तरह इसकी प्राइस थी और महंगा था ये ना, तो ये हमें मुझे मिला है 70% ऑफ पे 1200 का। तो आजकल ना जिसने भी अपने कैजुअल सूट बनाने हैं तो आप ब्रांड्स की तरफ विजिट करें, जे डॉट बाकी सब पे भी सेल्स लगी हैं। ये यान का यूनिफॉर्म की पैंट थी, ये बड़ा साइज़ लिया था तो ये हमने भी छोटा साइज लिया इसमें से जो है ना। इसके अलावा मैंने ये ट्रोज़र लिया है, ये भी मैंने वहीं से लिया है, ये गुलामत जो है आइडियाज़ वाले, थैंक यू। आप देखें ये 1880 का, ये मतलब इसकी प्राइस थी 1880, तो ये मुझे मिला है 70% ऑफ पे, तो ये मुझे मिला है 700 समथिंग का, ठीक है। और ये बटन इस पर लगे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था पहने में, और इस पिंक शर्ट के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये फ्रंट से इसके स्टाइल है, और ये जो है ना इसके इस तरह कट भी है, ये इसके बटन्स लगे हैं बहुत प्यारे। तो आजकल ब्रांड से काफ़ी माशाल्लाह सेल लगी हुई है, आप लोग विज़िट करें और फ़ायदा उठाएं। आज मेरा यही कुछ व्लॉग था, तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।